हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पर्युषण समाप्ति पर भव्य वरघोड़ा तपस्वियों का हुआ बहुमान। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के संपन्न होने पर अंतिम दिवस कस्बे में भव्य वरघोड़ा निकाला गया। परमात्मा की पालकी तपस्वियों के रथ आकर्षक झांकियों साध्वीवृंद श्रावक श्राविकाएं जैन पताकाएं लहराते हुए युवा मंडल बालक बालिकाएं बैंड की मधुर स्वर लहरियों पर नाचते गाते परमात्मा की जय जयकार करते वरघोड़े के शोभा बढ़ा रहे थे। वरघोड़ा नगर के पार्श्वनाथ जिनालय जिन कुशल दादावाड़ी और मुख्य बाजार से श्री शांतिनाथ जिनालय पहुंचा, जहां एक विशाल धर्म सभा में तब्दील हो गया। धर्म सभा में सभी तपस्वियों को पूर्ण सम्मान के साथ कंधों पर बिठा कर लाया गया और विशेष मंच पर उन्हें उपस्थित जन समुदाय के सम्मुख प्रेरणा स्वरूप बिठाया गया। साध्वी विश्व रत्ना श्री के मंगला चरण के साथ समारोह विधिवत प्रारंभ हुआ। जैन श्री संघ के मास शमन के तपस्वी मांगीलाल मानकमल सेठिया और कुमारी सिमरन पुत्री गौतम संकलेचा का श्री संघ द्वारा तिलक माला श्रीफल और मोमेंटो देकर बहुमान किया गया। अन्य सभी तपस्वियों का बहुमान स्टेज पर लाभार्थी परिवारों द्वारा संगीत की मधुर धुन के साथ किया गया। धर्म सभा तपस्वी अमर रहे, तपस्वियों की जय जयकार से गूंज उठी। साध्वी विश्व दर्शना और मयूर प्रिया ने अपने प्रवचन में सभी तपस्वियों के कठोर संयम तप की अनुमोदन करते हुए उन्हें सरल जीवन का आशीर्वाद प्रदान किया और सभी को अपने व्यवहार से सरल मना बनने की अपील की। उन्होंने तपोभूमि चौहटन में इतनी अधिक तपस्या की भावना रखने वाले सभी धर्मप्रिय लोगों को साधुवाद दिया। जैन श्री संघ अध्यक्ष हीरा लाल धारीवाल ने पर्युषण महापर्व के दौरान 9 दिन तक चलने वाले सभी धार्मिक क्रियाओं प्रवचन पूजा प्रतिक्रमण भक्ति आदि सभी में पूरे संघ के जुड़ने पर सभी का आभार व्यक्त किया और मिच्छामि दुक्कड़म किया। उन्होंने सभी कार्यों में अपूर्व सहयोग के लिए श्री मणिधारी जैन युवा परिषद का भी आभार जताया। श्री संघ प्रभावना के साथ समारोह संपन्न हुआ। चौहटन से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।